स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइज चैनल में आशा करती हूँ कि आप लोग एक स्टेप वाइज सही वे में पढ़े जा रहे होंगे अर्थों को सब सही तरीके से समझ रहे होंगे जिन शब्दों को मैं बताना चाहती हूँ तो हम क्लास ग्यारह का पढ़ रहे थे और 11, क्लास ग्यारह क्लास इलेवन का क्लास इलेवन का हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर का क्या नाम है वृद्धि और विकास ठीक है ना वृद्धि विकास के बारे में जाने हम बहुत चीजों को जाने इसके बारे में ठीक है ना? देखिए अब ये हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में हम ये जाने थे कि क्रियात्मक विकास नवजात शिशु से लेके अः नवजात शिशु से लेके दस वर्ष की बच्चे तक के बारे में हमने सारी उसकी एक्टिविटी के बारे में जाना था कि किस अवस्था में बच्चे को यह एक्टिविटी करनी चाहिए अगर बच्चा कर रहा है तो सही है ठीक है ना इन चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह जाना क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है ठीक है ना कि दो वर्ष की आयु की अवस्था वाले बच्चों द्वारा ये क्रिया की गई है सीढ़ी पर चढ़ने की क्रियाएँ कब तक कलात्मक होती है शिशु के अंदर ठीक है ना शिशु कब अपने सिर को ऊपर उठाने में सक्षम हो जाता है या फिर मांसपेशी यो को पे नियंत्रण पाने में किस अवस्था में सक्षम हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन चीज़ों को हमने जाना आ इसके साथ हमने भाषा विकास भी जाना शिशु अवस्था से लेके कि किस प्रकार से भाषा विकास होती है प्रथम भाषा विकास किसे कहते हैं द्वितीय भाषा विकास किसे कहते हैं दूसरे मंथ में भाषा विकास कौन सी होती है ठीक है ना इन चीजों को हमने जाना पहली वर्षगांठ पे बच्चा किन किन शब्दों का उच्चारण कर लेता है तो इन चीजों को हमने जाना अब आज हमें देखना है सामाजिक भावात्मक विकास ठीक है ना क्या देखना है सामाजिक भावात्मक विकास देखना है है ना अब आरंभिक संबंध तथा मनोभाव आरंभिक संबंध तथा किससे नवजात शिशु है उससे आरंभिक संबंध सबसे पहला संबंध कैसे होता है और उसका मनोभाव किस तरह का होता है ठीक है ना तो आइए देखते हैं समझते हैं आपने देखा होगा कि शिशु तथा उनकी देखभाल करने वाले के बीच एक दूसरे एक दूसरे के प्रति गहरा लगाव होता है ठीक है ना ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे कि गहरा लगाव होता है ये संबंध किस प्रकार विकसित होते हैं अब देखिए कि ये संबंध किस प्रकार से जो लगाव वाला जो प्रेम वाला है जो एक दूसरे में लगाव का गुड़ आ रहा है ना जो नेचर आ रहा है जो विकास हो रहा है ना वो किस तरह से एक दूसरे में कैसे विकसित होता है अर्थात कैसे पनपता है कैसे बढ़ता है ठीक है ना तो देखते हैं यह विस्मयकारी प्रतीत होगा किंतु पहले ही दिन से शिशु ऐसे व्यवहारों का प्रदर्शन करता है जो देखभाल करने में सामाजिक सामाजिक भावात्मक अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है ठीक है ना पहले दिन से ही शिशु क्या अब देखिए शिशु और कुछ नहीं समझता माँ दादी बा, दादी बाबा भाई बहन कुछ नहीं जानता लेकिन इस, शिशु किससे समझता है जब हम शिशु को गोद में लेते हैं तो वो स्पर्श करने से समझता है बार बार शिशु के सामने कोई आवाज निकालने से फिर चाहे वो हंसी की आवाज होकर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है बार बार शिशु ठीक है ना आप कोई भी बातें करते हैं देखते हैं ना चाहे हम होंगे चाहे दादी बाबा होंगे गोद में लेते हैं तो लल्ला है राजा बेटा है किसी भी अनेक शब्दों को बोल बोल के सब कोई बच्चों को क्या करते हैं खिलाते हैं तो उसी चीज को कहा रहा है कि सामाजिक और भावात्मक ये खिलाना क्या है सामाजिक हो गया भावात्मक हो गया मन से दुलारा जाना प्यार करना लगाव करना ये क्या है भावात्मक है अनुक्रिया के के लिए प्रेरित करता है अर्थात तो वो जो नवजात शिशु है ना वो धीरे-धीरे उस चीज को अनुभव करने लगता है पहले दिन से ही ठीक है ना साथ ही वयस्क व्यक्ति ऐसे विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे शिशु की ओर आकृष्ट होता है जिससे शिशु उनकी ओर आकृष्ट होता है वयस्क व्यक्ति का मतलब क्या है जो व्यक्ति उसके बारे में बार बार देख रेख कर रहा अच्छा शिशु क्या न वो शिशु का पैंपर्स चेंज करना है कपड़े चेंज करना है उसे बार बार पाउडर लगाना है तेल का मालिश करना है दूध पिलाना है ठीक है ना आ, ऐसा होता है ना कि कभी कभी माँ माँ को मान लीजिए सीजर से हुआ चाहे नॉर्मल ही, ही हो गया तो माँ के पास शिशु नहीं जा पाता माँ की स्थिति गंभीर है तो जो व्यस्क व्यक्ति है और चाहे माँ को ही ले लीजिए ठीक है ना जो उसके लिए जो देखभाल कर रहा है माँ हुई चाहे कोई भी अदर पेरेंट्स हो गए जो उसके लिए देखभाल कर रहे है ना उसे उसके तरफ वो क्या करता है आकृष्ट होता है लगाव करता है शुरू से ही हुआ पहले दिन से ही ऐसा अनुभव करता महसूस करने लगता है धीरे धीरे ठीक है ना अतः देखभाल करने वाले तथा बच्चे दोनों के व्यवहार इस प्रकार होते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगाव विकसित करने में सहायता करती है आप देखते हैं नाना हुए चाहे बाबा हुए कैसे बार बार बच्चे को बुलाते हैं अभी नवजात ही है बुलाएंगे तो वो जरूर थोड़ी सी आंखी मलकाएगा ठीक है ना आख चौथ जैसा इतने कर लेगा मुस्कुराने लगेगा तो जो उनकी शब्दों को पकड़ रहा है ना बच्चा वो क्या होगा चार दिन बाद पांच दिन बाद एक हफ्ते बाद एक महीने में वो जो दूर से भी बोलेंगे चाहे पास आके बोलेंगे ना तो वो खिलखिला के हंसने लगेगा बोलेगा मुस्कुराएगा वो उनके बात करने से वो भी थोड़ा बहुत क्या करेगा वो करेगा कि हाँ मुस्कुरा देगा हाथों को ऐसे ऊपर उठाएगा पैर फेंकेगा खुश होके ठीक है ना तो ऐसे हम अनुभव करते हैं अगला देखते हैं अपनत्व की भावना का विकास अपनत्व की भावना का विकास कब से होता देखते हैं पहला है देखभाल करने वाले के साथ शिशु का काफी शारीरिक संपर्क होता है ठीक है ना अब जो देखभाल कर रहा है उसी के साथ शिशु है बार बार ठीक है ना वो उसे नहवा ले रही है धोआ रही है ठीक कर रही है पाउडर है तेल का मालिश है फिर दूध पिलाना फीडिंग कराना ठीक है ना सुलाना फिर जगने के बाद सबसे पहले उसके पास आ रहा क्योंकि बच्चे ज्यादा क्या करते हैं जो जगते हैं किसी को नहीं देखते रोने लगते माँ दौड़ के आती है चाहे जो भी सदस्य है हम बच्चों को न केवल दैनिक क्रियाकलापो के दौरान गोद में उठाना चाहते हैं बल्कि उन्हें इसलिए भी गोद में उठाते हैं कि आनंद आता है ठीक है ना ये जरूरी नहीं ये देखते है देखते हैं ना बच्चे खेलते रहते हैं या फिर सोए सोए चुपचाप देख रहे हैं तो हमें मन कर देता है बच्चों को गोद में उठा के हम लगते हैं घूमने खिलाने ऐसे ही लाते जाते हैं जबकि बच्चे को उसकी जरूरत नहीं है लेकिन क्या करते हैं हम अपने आनंद के लिए भी बच्चे को गोद में उठा लेते हैं ठीक है ना घर में कोई भी सदस्य हो गया जैसे दादी बाबा बुआ जो भी हो गया देखते हैं ना दीदी भैया ये ये लोग लोग क्या क्या करते हैं तो तो मान लीजिए कि हर काम के लिए लिए उठाती है फुर्सत मिल तो गया उसके भी लेकिन ये क्या? आनंद के लिए बच्चों को उठाते हैं गोद में भी हम लोग उठाते हैं ठीक है ना माँ भी कभी कभी दुलार पुचकार करने के लिए ऐसे गोद में उठा लेती है तो आनंद भी तो आता है बच्चों को गोद में लेने पर तो शिशुओं को शारीरिक संपर्क की अंतरजात आवश्यकता होती है, ठीक है ना? अब गोद में लेने से क्या शारीरिक संपर्क हो रहा है उसके गाल को गाय चाहे गोद में लेके ऐसे ही ले, तो शारीरिक संपर्क जब देखभाल करने वाले बच्चों को उठाते हैं तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है पूर्ति करते हैं ठीक है ना जो देखभाल करने वाले अम्मा है देखभाल करने वाली है उठाएगी तो उनकी आवश्यकता की पूर्त करेगी ठीक है ना मालिश करने का टाइम हो गया दूध पिलाने का टाइम हो गया नहमाने का टाइम हो गया नह दूसरा कपड़ा चेंज करने का टाइम हो गया ठीक है ना उसने सुसु चाहे पोटी तो नहीं ना नह किया है उसका पैंपर्स चेंज करने का टाइम हो गया ठीक है ना तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं इस तरह दादी हो गई बुआ हो गई जो भी हो गया इस तरह से काम करने के लिए ठीक है ना किसी को भी ले सकते हैं जो करता है बच्चों के लिए वयस्क व्यक्ति तथा बड़े शिशुओं की बातचीत करने करते समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं इसमें मदरीज मतलब माता समान कहा जाता है ठीक है ना वयस्क व्यक्ति तथा बड़े बच्चे शिशुओं से बातचीत करते समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं ठीक है ना जो भी व्यक्ति है अगर बच्चों से शिशुओं से बातचीत करते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं अब देखिए उसे क्या कहते हैं मदरीज मदरीज माता के समान कहा जाता है। इसमें बहुत इसमें बहुत छोटे वाक्य बहुत छोटे वाक्य सरल शब्द आवाज के कुछ उतार चढ़ाव तथा निरर्थक ध्वनिया जैसे टप टप की आवाज शामिल होती है ऐसी भाषा शिशु को प्रसन्न करती है तथा वह कू, कू करके Hmm, करके या तुतला की अनुक्रिया करता है आप किसी छोटे बच्चे को मान लीजिए आप न, आपके घर पर छोटा बच्चा है तो आप गोद में लेके उसे बोलते हैं कि नहीं बोलाते ही, ही बेटा बाबू ठीक है ना ऐसे कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते है लल्ला तू लारा कुछ भी गुड़िया रानी पारी बेटी ऐसे कुछ बोलते हैं ना तो वो खुश होता है उन ध्वनियों को सुनकर छोटे छोटे सरल शब्दों को सुन के ठीक है ना या फिर आवाज ही तरह तरह की चिड़िए का निकालिए या फिर जानवर का हूँ आ हाँ, या फिर मुस्कुर हसीिए तो वो वैसे क्या कुकु करता है फिर अनुक्रिया करता है बच्चा ठीक है ना अगला देखते हैं हम शिशु को देख कर मुस्कुराते हैं तथा हमें मुस्कुराता देख कर शिशु भी मुस्कुरा कर कुकु करता है 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 तथा तुतलाता ठीक है, है ना चौथा देखते हैं देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं जिससे देखभाल करने वाले तथा शिशु के बीच एक संचार स्थापित होती है ठीक है ना एक कोई व्यक्ति है शिशु को जो देखभाल कर रहा है उन दोनों में क्या संचार प्यार होने लगती है माँ एक बार बोली आजा 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 लल्ला बेटा तो देखते तुरंत बच्चा क्या करता है हाथ फेंक के मुस्कुराने लगता है इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को देखना दोनों के बीच कड़ी स्थापित तो करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा सामाजिक भावात्मक परस्पर क्रियाओं का प्रथम स्वरूप में से एक है ठीक है ना आगे देखते हैं नंबर पांच शिशु से बातचीत करते समय देखभाल करने वाले अपने चेहरे पर कुछ हाव भाव लाते हैं या शिशु को विभिन्न भावात्मक तो भावत्मकों का अंतर कराने और सिखा, सिखाने में सहायता करते हैं और देखते कोई कोई होता है ना भाई होते हैं ना तो बदमाशी करने लगते हैं उसे लेके ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे आंख निकालेंगे ऐसे ऐसे मुंह तरह तरह का बनाएंगे ठीक है ना ऐसे तो ऐसे मुंह बनाएंगे ताकि वो क्या करें डरे तो बच्चा क्या करता है उससे वो सीखने का काम करता है ठीक है ना? छठा है देखभाल करने वाले शिशु के साथ परस्पर क्रिया करते समय अनेक लयात्मक क्रियाएं भी करते हैं हम सिर को हिलाते इधर उधर झटकारते तथा आगे की ओर छुकाते हमारी कुछ क्रियाएं ध्वनिया जैसे झूला जुला झूलाना हिलाना ढुलाना बच्चे को सुखद लगता है ठीक है ना देखते हैं ना बच्चा कभी कभी रोता है तो दादी चाहे बाबा चाहे जो भी हो के घर में सदस्य उसे लेके गोद में ऐसे हिलाने लगते हैं लगते हैं लोग इधर उधर घूमने और गोद में ऐसे झूले जैसे क्या करते हैं पालने जैसे ऐसे, ऐसे ऐसे बार बार हिलाते रहते हैं हिलाते हैं तो क्या होता है बच्चा देखते हैं ना एकदम चुपचाप सोया रहता है पड़ा रहता है तब शांत हो जाता है बच्चा तब नहीं रोता है बच्चा ठीक है ना तो उसे कहा जा रहा है सातवा देखते हैं, देखभाल करने वाले शिशु के साथ उनके थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होने पर सरल खेल भी खेलते हैं, ठीक है ना उदाहरण पिक एबु लुका छिपी मतलब उसे क्या कहते हैं लुका छुपी नोट कर लीजिएगा ठीक है ना छिपी के बू मतलब क्या होता है लुक्का छिपी मैं भी इन शब्दों को अभी पहली बार देख रही हूँ लुका छिपी तो मैं भी खेली हूँ लेकिन इन शब्दों को अभी पहली बार देख लुका छिपी सभी संस्कृतियों में एक आम खेल है सही बात है हर कोई खेला होगा आप सभी भी खेली होंगे हमें पता है सब लोग खेली होंगी जो भी वीडियो को देख रहे होंगे चाहे देख रहे होंगे ठीक है ना आगे देखते हैं आठवां जिस प्रकार देखभाल करने वाले शिशु के साथ संचार करते हैं शिशु भी सामाजिक संपर्क बनाने के लिए व्यवहार आरंभ करते हैं जब शिशु असहज होने पर चिल्लाते या रोते हैं तो माँ दौड़ी हुई आती है ये वाकई ये सत्य बात है अगर आप माँ होंगी तो इस चीज को अनुभव कर रही होंगी बताने की जरूरत नहीं है जब वे अपनी स्वयं की पहल पर कू करते हैं फूल हैं मुस्कुराती या निहारती हैं, निहारते हैं तो वे व्यवहार देखभाल करने वाले में संरचनात्मक भावना सृजित करते हैं ठीक है ना और जब बच्चे क्या होते हैं जब बच्चे चिल्लाते हैं रोते हैं तो माँ तुरंत दौड़ी आती है कि अरे क्या हो गया बेटे को ठीक है ना लेकिन जब बच्चे स्वयं कुकू करते हैं कुल बुलाते हैं मुस्कुराते हैं खेलते हैं हंसते हैं तो क्या होता है ये होता है कि संरचनात्मक भावना सृजन हो रहा है मतलब बच्चा सही है ठीक है ना आगे देखते हैं उपरयुक्त तो व्यवहार उपरयुक्त व्यवहार दिन में कई बार दोहराए जाते हैं जब देखभाल करने वाले शिशु को बार बार पो, पोषण प्रदान करते हैं नहलाते हैं बच्चों के कपड़े बदलते हैं अथवा परेशान होने पर उसे सहलाते हैं पुचकारते हैं यह सब दोनों के बीच लगाव के एक संबंध को विकसित करता है वाकई करेगा ही देखते हैं ना जो ज्यादा प्यार करता है उसके तरफ जल्दी बच्चे अब अभी थोड़े बड़े हो जाते हैं जब छह माह के हो जाते हैं गोद में लीजिए तो देखिए किसके जिससे उसे ज्यादा लगाव होगा उसके गोद में सबसे पहले जाएगा बार बार जाएगा ठीक है ना इसी लगाव को बात है चूंकि अधिकांश मामलों में माता ही मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल करती है मैं बोलने वाली ही थी लेकिन कही हूं कि खैर देखिए माता ही मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल करती है शिशु का लगाव सामान्य सबसे पहले उसी के साथ हो होता है ठीक है ना लगाव सबसे पहले किसके साथ होता है माता के साथ फिर चाहे माता किसी जॉब में है फिर भी माँ उन कामों को वैसे ही करेगी या फिर ना जॉब में है चाहे माँ के पास कितनी भी का, काम आ जाए घर के कोई भी कार्य आ जाए लेकिन माँ बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहती है देखभाल करने के लिए ठीक है ना माँ जगत जननी होती है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं माता के साथ यह संबंध शिशु का पहला सामाजिक रिश्ता है ठीक है ना सबसे पहला सामाजिक रिश्ता किसके साथ होता है माता के साथ होता है ठीक है ना माता के साथ यह संबंध है ना सबसे पहला सामाजिक संबंध भी बनाता है सबसे पहले शिक्षक भी कौन है आपको पता ही होगा लेकिन लिख लेक दे रही हूँ माँ होती है ठीक है ना माँ होती है यदि माता के साथ शिशु की परस्पर क्रिया उत्साहपूर्ण तथा सुखद ना हो तो शिशु को चिड़चिड़ा चिड़े चिड़े तथा व्यग्र होने का संभावना हो जाता है माँ से ही तो सब चीजें शिशु सीखता है ठीक है ना शिशु जैसा भी हो कि ये जान जाइए कि सब माँ की शिक्षाओं से होते हैं ऐसे मामले में हालांकि शिशु की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं किंतु तो वयश के साथ भावात्मक परस्पर क्रिया पूरी नहीं होती है शिशु समुचित लगाव का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता यद्यपि मानव लचीले स्वभाव के होते हैं ठीक है ना और यदि बाद में उनका परिवेश सुधर जाए तथा उन पर प्यार या सुपोषण देखने वाले संरक्षक मिल जाए तो आरंभिक उपेक्षाओं के अनुभव से उभर सकते हैं ठीक है ना यदि बच्चे को शिशु का पहले से ही देखभाल ना तो वह सही सामाजिक व्यवहार को अपने अंदर अनुभव करेंगे एक एक, 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 एक एक क्या कहते हैं एक स्वस्थ समर्थवान व्यक्ति बनेंगे ठीक है ना सही मात्रा में उसका देखभाल होके पोषण युक्त चीजें मिले ठीक है ना समुचित तो उस पर ध्यान दिया जाए तो इसे मेंशन किया गया है जीवन के प्रथम वर्ष में एक सुरक्षित लगाव का निर्माण करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है लोगों में विश्वास की भावना का विकास करने के लिए किसी व्यस्क किसी व्यस्क के साथ सुरक्षित संबंध का विकास करना बच्चों के लिए आवश्यक है ठीक है ना एक सुरक्षित शिशु कम रोता है वो कम रोएगा ही ठीक है ना उससे तरह तरह की हर चीजों की सुविधाएं हैं ठीक है ना उसका देखभाल केयर उसका सही से हो रहा है ठीक है ना उसे पोषक तत्वों भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है तो बच्चा सही वे में पोषक तत्व पा रहा है वो एनर्जी फुल है खेल लिया हाथ पाव फेंक के फिर सो लिया फिर उठा खेल लिया लोग खेला लिए फिर सो लिया ठीक है ना तो इससे बच्चा क्या है स्वस्थ है वो रोता कम है देखभाल करने वाले के साथ अधिक सहयोग करता है ठीक है ना हर समय डर का देखभाल करने वाले से नहीं चिपका रहता है ठीक है ना हर समय डर कर देखभाल वालों के से नहीं चिपका रहता अब ये नहीं है जब बच्चा कोई स्वस्थ रहेगा ना तो वो हर तरह से स्वस्थ रहेगा मानसिक रूप से शारीरिक रूप 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 से 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 सोच के रूप से, जो भी समझ लीजिए तो वो डर के नहीं रहेगा कि जो मेरा देखभाल करे मैं मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा बस दादी बाबा के साथ भी रहूंगा वो किसी गैर को भी देखेगा तब भी खुश रहेगा ठीक है ना वो डरने वाला बच्चा नहीं सदैव अपने परिवेश में समझने के लिए तत्पर रहता है ठीक है ना वो सदैव हर चीज को समझ लेगा स्टेप वाइज पूर्व विद्यालय ही पूर्व विद्यालय अर्थात विद्यालय जाने के पहले की अवस्था को ठीक है ना उन अवस्थाओं को आपने देखा है ना वर्षों के दौरान ऐसा सुरक्षित बच्चा भावात्मक रूप से उत्साही सामाजिक रूप से परिपक्व हम उम्र हम उम्र बच्चों में लोकप्रिय जिज्ञासा तथा आत्मनिर्भर होते हैं वाकई होंगे ही इसीलिए बार बार कहूंगी कि बच्चों का ध्यान करिए बच्चे पोषक जिन पोषक तत्वों को नहीं खा रहे हैं आपको लग रहा है कि ये पौष्टिक है लौकी हो गया हो गया आ, पालक पनीर जो भी हो गया नहीं खा रहे हैं दही छाछ वगैरह नहीं ले रहे हैं तो उन्हें ध्यान से दीजिए भले ही डांटना पड़े मारना पड़े आज बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे आज आप अपने बच्चों को सही तरीके स्व स्वस्थ रखेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लाइनों को शब्दों को मेंशन किया गया कि वो भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर होंगे ठीक है ना भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर होंगे उत्साही होंगे सामाजिक रूप से परिपक्व होंगे ठीक है ना कुछ बच्चों में यही होता है कि समाज में बाहर गए कोई अंकल कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो डर और के मुंह बना लिए डर के क्या की है बना लिया ठीक है।, है ना लेकिन अगर आपका बच्चा है तो हमेशा हैप्पी है ठीक है ना और देखिए बच्चों में लोकप्रियता आएगा जिज्ञासा आएगा हाँ अंकल और कोई क्वेश्चन पूछिए और कुछ पूछिए आत्मनिर्भरता आएगा तो पहले बच्चों को अंदर से तो मजबूत करिए ठीक है, है ना वो हर तरीके से अंदर से मजबूत रहेंगे आपका पर्यावरण अच्छा है तो बच्चा आपका क्या होगा स्वस्थ और जिज्ञासा आत्मनिर्भर बच्चा बनेगा हमने केवल माता पिता के साथ शिशु के लगाव पूर्ण संबंध के निर्माण की बात की है ठीक है ना अब यहाँ तक तो हमने माता माता और शिशु के बारे में बात की अब देखते हैं कि पिता पिता के साथ जुड़ाव की स्थिति क्या है अब पिता पिता के के साथ साथ हम देखेंगे कि पिता के साथ क्या जुड़ाव की स्थिति है। हमारे समाज में काम करने की पारंपरिक विभा विभाजन के कारण सामान्यतः ऐसा होता है कि पिता परिवार का कमाऊ सदस्य होता है ठीक है ना? हर एक सदस्य चाहे जो भी आप लोग वीडियो देख रही हैं, ये सही बात है कि क्या होता है पिता ही परिवार का कमाऊ सदस्य होता है चाहे आप स्टेप वाइज बढ़ती जाइए आज आप बेटी हैं कल कोई एक पत्नी बनेंगी तो क्या होगा भाई आपके हस्बैंड उस परिवार के कमाऊ होंगे कल की आप माँ बनेंगी ठीक है ना माँ बनेंगी दादी बनेंगी, जो भी बनेंगी में वो वो जो जें हैं वो भी चलते जाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है परिवार के वो कमाऊ सदस्य होते हैं ठीक है ना आप देखती है ना हर जगह आपको देख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे तथा दिन के अधिकांश समय समय वह घर से बाहर बिताते हैं भाई ऑफिस जा रहे हैं ड्यूटी जा रहे हैं तो वो अधिकांश समय घर के बाहर बिताएंगे जबकि हम घर पे रह जाती है मतलब सभी लोग नहीं जो जॉब कर रहे हैं जो सर्विस कर रही हैं तो उनका भी वही काम हो जा रहा है जबकि माता बच्चों के साथ अधिकतम समय बिताती है लेकिन अधिकांश हम उन चीजों को लेते हैं ना जो ज्यादा में मेन्सन रहे ठीक है ना अब माताएं ही ज्यादा बच्चों के साथ समय बिताती है क्या इसका अर्थ यह है कि शिशुओं को अपने पिता के साथ लगाव नहीं है नहीं ये गलत बात उन परिवारों में स्थिति कैसी होगी जहाँ माता पिता भी काम काजी है अब आप सोचिए क्या वहाँ पे बच्चे तो माँ और पिता दोनों काम काजी हैं, दोनों एक टाइम से सात बजे निकल जा रहे हैं ऑफिस के लिए ड्यूटी के लिए शाम को चार बजे आ रहे हैं शाम को पांच बजे आ रहे हैं दोनों ठीक है ना तथा लंबे समय तक घर से बाहर रह रहे हैं ठीक है ना शोध कार्यों से यह पता चला है कि अपनत्व संबंध के निर्माण में वस्क द्वारा बच्चों के साथ बिताए गए समय की मात्रा का सहायक नहीं होता बल्कि उन दोनों द्वारा इकट्ठा उन दोनों द्वारा इकट्ठा इकट्ठा बिताए गए समय के दौरान बच्चे के प्रति व्यवहार और उनकी प्रतिक्रियाएं अपनत्व संबंध का निर्माण में सहायता करती है ठीक है ना इस बात को मेंशन किया देखिए अगर घर में माता पिता दोनों सर्विस कर रहे हैं ठीक है ना तो बच्चों के साथ दूरी हो रहा है दूरी हो रहा अब ये मत मानिए कि शाम को चार बजे से आ गए और पूरी रात बच्चों के साथ आप टाइम बिता रहे हैं तो किस तरह से टाइम बिता रहे हैं सोने में सोने में आप टाइम बिता रहे हैं तो ऐसे व्यतीत करने से आपका बच्चे से लगाव नहीं होगा जब तक कि आप बच्चे के साथ प्रतिवयस्क का व्यवहार अर्थात उसके साथ खेलिए कूदिए मौज मस्ती करिए उसे दुलारिए रिए पुचकारिए ठीक है ना व्यवहार उससे करा उसकी प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रिया संबंध तो का निर्माण करती है वो को, वो कोई तोड़ रहा है उसे बताने की कोशिश करिए वो कोई चीज नहीं ले रहा है तो उसे देने की कोशिश करिए उसे टाइम से सुलाइए टाइम से प्यार करिए टाइम से खिलाइए आप सारे दिन ऑफिस एंड ड्यूटी है तो कैसे बच्चे को यह मिल पाएगा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ठीक है ना और ज्यादा टाइम देने से बच्चे को नहीं है मान लीजिए आज संडे का दिन है तो आप पूरा टाइम दे दिए तो हो गया टाइम देने से नहीं होता जब तक आप उसके साथ व्यवहार पूर्ण प्र, प्रतिक्रिया करके क्रियाकलाप द्वारा जब तक बच्चे के साथ नहीं रहेंगे ठीक है ना <coughs> आगे देखते हैं आपने देखा होगा कि यद्यप पिता तथा कामकाजी माताएं अपने बच्चों के साथ तुलनात्मक रूप से कम समय व्यतीत करते हैं ठीक है ना अब चार बजे आ रहे हैं फिर उसके बाद से खाना पीना सात बजे तक आठ बजे तक नौ जो, नौ बजे तक फिर सो जाना क्योंकि थके हारे सब कोई है फिर सो जाना सुबह को पाँच बजे उठे पाँच से छः छः से सात सब रोग रेडी होने में भागम भाग मचा हुआ है तो क्या वो बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं नहीं खेल पा रहे हैं खुद सोच के देखिए बच्चे माता पिता के उपस्थिति हो उपस्थिति होने पर उनका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं अब देखिए बच्चे क्या करते हैं अगर माता पिता संडे है घर पे हैं तो उन्हें वो तो रोज के थके हारे हैं आज उन्हें आराम मिला है वो वो बाकी के कामों को करेंगे साफ सफाई करेंगे कपड़ा धोना रखना उससे सवारना तब हफ्ते भर जाएंगे लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं बार बार मा, मा, माता मा, मम्मा, मम्मा बोले जा रहे हैं बार बार पिताजी पापा डैडी जो भी बोल रहे हैं बोले जा रहे हैं वो ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं अतः यह देखभाल करने वाले करने वाले द्वारा बच्चे के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता है ठीक है ना जो अधिकांश देखभाल करने वाले बच्चे के बीच लगाव का निर्धारण करती है ठीक है ना अब जो लोग जिनके माता घर पे रह रही है मान लीजिए पिता बाहर जा रहे हैं तो उनसे ज्यादा बच्चों की लगाव होगी ठीक है ना तो उस गुणवत्ता को बता रहा है कि बच्चे में उनकी अपेक्षा इन बच्चों में ज्यादा गुणवत्ता मिलेगी ठीक है ना एक या दो व्यक्तियों के साथ प्रथम सशक्त संबंध के पश्चात बच्चे परिवार में अन्य लोगों के साथ विशेषता अपने साथ पारस्परिक क्रिया करने वाले के साथ संबंधों का निर्माण करते हैं यदि बच्चा माता पिता के साथ है हैं? पिता बाहर है माता के साथ है दादी है बाबा है घर में कोई सदस्य है उनके साथ व्यतीत कर रहे हैं तो क्या करेंगे बाहर का भी कोई सदस्य आएगा तो उनके साथ संबंध बनाने का वो कर लेंगे आप देखते हैं ना बच्चे तुरंत कह देते हैं आंटी जी नमस्ते है बुआ जी नमस्ते वो देख के ही समझ जाते हैं कि हम इन्हें आंटी कहे बुआ कहे हमें नमस्ते कहना हम हम पूछ सकते हैं कि आप कैसी आ गई आप क्यों आ गई आपको पानी चाहिए ठीक है ना तीन चीजों को ध्यान यदि बच्चा किसी डे केयर सेंटर में जाता है उस उसकी अच्छी तरह से देखभाल होती है जिससे सामाजिक पारस्परिक क्रिया खे, क्रिया खेलना आराम करना शामिल है तो वहाँ देखभाल करने वाले के साथ सकारात्मक संबंध बना रहेगा अब देखिए अगर आप किसी अपने बच्चों को आप दोनों लोग ऑफिस जाने वाले हैं बच्चे को किसी डे केयर सेंटर में दे दीजिए तो बच्चा तो वहीं है वहाँ के लोग उसका देखभाल कर रहे हैं तो बच्चा क्या होगा शुरू से बच्चा उन उनके उनके प्यार में वो होगा कि हाँ ये लोग देखभाल कर रहे हैं उनसे संबंधित सकारात्मक संबंध बना लेता है ठीक है ना उनसे फिर बिछड़ने पे क्या होता है कि बच्चों को महसूस होता है कि हम उनसे दूर हो गए ठीक है ना तीन उभाव को बताने की कोशिश कर रहा है आगे कुल मिला के यही है कि जितना हम बच्चों के साथ स्वयं अः वो समय व्यतीत विती, करेंगे बच्चे क्या होंगे हम अपने आप को समझेंगे अपनत्व की भावना को समझेंगे ठीक है ना प्यार लगाव से भी एक क्या होता है बच्चों के अंदर साहस बढ़ता है ठीक है ना डर भय की चीजें बाहर निकल जाती हैं ठीक है ना कुल मिला के ये बातें हैं फिर जब परिवार के लोग स्वयं बच्चों के साथ हैं तो क्या परिवार के लोग कभी बिछड़ सकते हैं नहीं बिछड़ेंगे ना मम्मी पापा हैं दादी बाबा हैं बुआ है लगता है कि हाँ बुआ जी आने वाली हैं बाबा है दादी हैं तो बच्चे क्या होते हैं अंदर से बहुत ही मजबूत होते हैं इसीलिए कहा जाता है कि बस पोषणी संबंध से बच्चे आपके मजबूत नहीं बनते हर चीज से पर्यावरण भी पड़ता है भौतिक असर भी पड़ता है ठीक है ना जैविक सर्वि पड़ता है बहुत तरह से और हमें सब तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए ठीक है ना आगे देखते हैं बाल मनोभाव अगर आप लोग दोनों लोग सर्विस में हैं तो आप ध्यान दीजिए अपने बच्चे के लिए दादी बाबा रहे ठीक है ना आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग उस चीज पे ध्यान दीजिए दादी बाबा नहीं है तो किसी और किसी व्यक्ति को बुलाइए आप उनका भी उनके उनके, उनके, उनके पारिवारिक स्थिति के हिसाब से उनका भी केयर करिए वो आपके बच्चों का केयर करें तो ध्यान दीजिए तो आपके बच्चे यहीं से क्या होंगे बहुत ही मजबूत होंगे ठीक है ना ये नहीं कि सर्विस आ गए तो हम बच्चों को छोड़ दें ठीक है ना आगे बढ़ते हैं छोटे कुछ और पूछना रहे कुछ और जानना रहे या फिर बात विमर्श करना रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए ठीक है ना <laughs> मुझे यहाँ लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं ना बोल जाती हूँ तो इसीलिए फिर मैं रुक जाती हूँ जो शब्द है उसके हिसाब से समझाती हूँ तो आइए आगे देखते हैं छोटे बच्चों द्वारा दर्शाए जाने वाले मनोभाव के संबंध में शोधकर्ताओं के बीच विवाद है क्योंकि हमें बच्चों से चेहरे के भाव तथा अंदरूनी भावनाओं के बीच एकदम सही संबंध की जानकारी नहीं है तथा शिशु उन भावनाओं तथा अनुभव करते हैं जिन्हें हम प्रसन्नता दुख परेशानी क्रोध या यहां तक कि अत्यधिक रोष रोष कहते हैं धीरे धीरे ये भाव उत्ते, जना, दुख तथा भय में अलग अलग होते हैं ठीक है ना अब ये नहीं कि आप डर वाला ही भय समझिए आगे पढ़ते हैं अभी समझ में आ जाएगा लगभग छह माह लगभग छह माह की आयु के आसपास बच्चा अपरिचित से प्रति भय दर्शाता है ठीक है ना जब छह माह का बच्चा देखिए बच्चा धीरे धीरे माँ को तो समझने लगता है वह एक माह के अंदर धीरे धीरे समझ दो माह तीन माह में एकदम परफेक्ट होता जाता है माँ को समझते छह माह तक परिवार के सभी सदस्यों को समझता है लेकिन हाँ छह माह के बीच में कोई कोई नया गेस्ट आ गया तो बच्चा देख के उसे भयभीत होता देखते है देखते हैं ना अगर वो गोद लेना चाहते हैं तो बच्चा आगे हाथ नहीं बढ़ाता फिर सिर को क्या करता है जो पेरेंट्स उसे गोद में लिए रहते हैं उससे सिर को चिपका लेता है नहीं जाने को कहता तो इस भय को कह कहा जा रहा है ठीक है ना तथा उनके पास आने पर परेशानी भी होती है ठीक है ना अगर वो जबरदस्ती लेते हैं खिलाना चाहते हैं हर कोई छोटे बेबी को खिलाना चाहता है तो उन्हें परेशानी लगती है देखते हैं ना कोई कोई बच्चे रोने लगते हैं लेकिन कोई कोई बच्चे आ भी जाते हैं ठीक है ना तो मजबूत होते हैं, तथा रोने लगते हैं। ऐसा है इस कारण से होता है कि बच्चे में अपरिचित चेहरे से एक बार डर जाने पर लोगों की पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है इससे अजनबी को देख कर वह होने वाली उत्सुकता कहा जाता है ठीक है ना और एक बार अगर बच्चा अजनबी के पास चला गया ना तो सब अजनबी के पास चला जाएगा उसे डर नहीं लगेगा ठीक है ना एक बार बच्चा रो रहा है तो वो किसी अजनबी के पास जाएगा नहीं ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है ना परेशानी की यह भावना आठ से बारह माह की आयु ठीक है ना ये देखिए परेशानी की यह भावना आठ से बारह माह की आयु तक होती है ठीक है ना कि बच्चा दूसरे के गोद में नहीं जाएगा सीमा पर होती तथा पंद्रह से अठारह माह की आयु में क्या कह रहा है कि पंद्रह से अठारह माह की आयु में है ना यहाँ पंद्रह से अठारह माह की आयु में यह भावना लुप्त तो हो जाती है अर्थात यह समाप्त तो हो जाती है ठीक है ना समाप्त तो हो जाती है यह कब तक रहती है आठ से बारह माह के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से ठीक है ना तो नोट कर लीजिए कितने में बच्चा डरता है भावात्मक रूप से ऐसे और कितने में नहीं डरता है अजरामी को देखने पर उत्सुकता उत्सु 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 भरने के कुछ समय पश्चात शिशु में बिछड़ने की चिंता विकसित हो जाती है तथा जो बच्चा क्या होता है लगाव वाला होता है ना उसके पास जाता है खेल कूद रहता है चार दिन के लिए अब बुआ आई मान लीजिए बुआ आ गई घर पे तो क्या होता है बुआ से लगाव हो जाता है बुआ तो और प्यार करती है बच्चों को तो बुआ से लगाव हो जाता है और जब लगाव हो जाता है बुआ से बुआ भाई जाएंगी ही अपने घर पे बुआ भी तो अपने घर के सदस्य है बहू है तो उन्हें भी काम करना रहता है बुआ जब चली जाती है तो बच्चे क्या लगता है बिछड़ने का वो होता है आगे देखते हैं अर्थात उन देखभाल करने वाले बिछोड़े जाने का भय जिसके साथ उनका लगाव होता है वे उस समय परेशान हो जाते हैं तब माता उनकी दृष्टि से ओझल हो होती हैं ठीक है ना यह भाई बारह से अठारह माह की आयु के दौरान अपनी चरम सीमा पर होती है अब चरम सीमा पे अगर पूछ ले ना कब तक होती है बारह से अठारह माह की नोट करिएगा यहाँ पे तथा लगभग बीस से चौबीस माह ठीक है ना बीस से चौबीस माह अर्थात बच्चा दो वर्ष का हो गया है ठीक है ना जब वर्ष का हो दो वर्ष का हो गया कि आयु में दूर हो जाता है यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण तो है कि सभी बच्चे सभी स्थितियों में समान रूप से परेशान नहीं होते हैं सभी नहीं परेशान होंगे ठीक है ना इसके पूर्व अनुभव आदतों तथा उनके आसपास के अन्य लोगों की प्रवृत्ति के अनुरूप इसमें भिन्नता होती है ठीक है ना आगे देखते हैं दूसरा है माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पा लालन पालन की विधियां ठीक है ना माता पिता किस प्रकार से ये तो आसान आ, है अभी पढ़ लेते हैं सर एक सरसरी निगाह से जब अभिभावक अपने बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा करते हैं तो इस प्रक्रिया को बच्चों का लालन पालन करते हैं ठीक है ना माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करते हैं इस बात का बच्चों के व्यक्तित्व पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है सही बात है हम बच्चों को जब सही रास्ते की चीजें सिखा के उसका लालन पालन करेंगे कि बेटा ये चीजें सही है किसी से गलत जुबान से बात नहीं करते किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हमेशा सबसे विनम्र भाव से बात करते हैं प्यार से बात करते कोई चीज ना कोई पूछ दे तो उसे भी आराम से बोल देते हैं सॉरी बोलने का चीजों को सीखते हैं हम किसी से गलती कर ली है तो उससे सॉरी भी बोलते हैं ठीक है ना तो इन चीजों को हम सही तरीके से बच्चों पे लालन पालन करेंगे ना तो व्यक्तित्व तो उल्लेखनीय होता है ठीक है ना हम सब उसी प्रकार व्यवहार करना सीखते हैं जैसे हमारे समाज के उपयुक्त माना जाता है ठीक है ना अब आप देखते हैं जो शहर के बच्चे हैं शहर हिसाब से रहते हैं जो ग्रामीण बस्तियों के बच्चे हैं वहां के लालन पालन पोषण उस हिसाब से होती है तो वो वह वहां के हिसाब से होते हैं जिससे भाषा व्यक्तित्व हर चीज पे प्रभाव पड़ता है है ठीक है ना हम यह अपने माता पिता तथा तथा अपने आसपास के लोगों से या प्रत्यक्ष रूप से आ, कहने पर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को उस तरीके से व्यवहार करते हुए देखने के परिणाम स्वरूप सीखते हैं ठीक है ना हर चीज हम परिवार से ही थोड़ी ना सीखते हैं हम अपने समाज से भी सीखते हैं आस पड़ोस से भी सीखते हैं ठीक है ना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऐसे बच्चे व्यवहार कौशल मान्यताएं धारणाएं मानक सीखते हैं उनकी सांस्कृतिक लक्षणिक उपयुक्त तथा वांछनीय होते हैं ठीक है ना समाजीकरण कहलाता है इस प्रकार के बच्चे क्या करते हैं समाजीकरण कहलाता है है समाज समाज का का एक अच्छे निर्माण होता ठीक है, है ना क्योंकि एक एक व्यक्ति से क्या होता है परिवार बनता परिवार से क्या बनता है समाज बनता है ठीक है ना समाजीकरण समाजीकरण के लक्ष्य अर्थात तो हम आपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं तथा उससे क्या सिखाने की अपेक्षा करते हैं प्रत्येक संस्कृत में यहाँ तक कि हर परिवार में भिन्न भिन्न होता है हर परिवार में भाई वो अपने कल्चर के हिसाब से वहां सिखाते हैं ठीक होता है ना कोई बच्चे देखिए ज्यादा शर्मीले होते हैं कोई बच्चे झगड़ालू होते हैं कोई बच्चे तेज तरार होते होते हैं कोई बच्चे नरम दिल के होते हैं कि चलो जाने तो कोई बात नहीं वो सबको शेयर करके चीजों को खाते हैं कोई बच्चे होते है अपना तो अपना खाए दूसरे का भी छीन के हाथ में से खा लिए तो ठीक है ना तो ये इन चीजों को बताया जाता है वो उनके परिवार के हिसाब से उसमें पालन पोषण अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रति दर्शाए जाने वाले उत्साह प्यार स्नेह की मात्रा में भिन्नता होती है ठीक है ना इस प्रकार अब कोई 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 अभिभावक पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा लाड दुलार प्यार करते हैं कि बच्चे बिगड़ ही जाते हैं ठीक है ना आगे चल के बच्चे बिगड़ जाते हैं गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं गलत प्रभाव उन पे पड़ने लगता है वो किसी का जवाब दे देते हैं ठीक है ना और कुछ ऐसे लाड प्यार स्नेह प्यार करते हैं कि वो हर चीजों को अपने कल्चर को संस्कृति को सभी चीजों को सिखाते हैं उन्हें इस बात को कहा इस प्रकार हम उत्साह तथा उपेक्षा की निरर्थक का दो छोर मान सकते हैं तथा अधिकांश अभिभावक इस रेखा पर अलग अलग बिंदुओं पर होंगे ठीक है ना माता पिता इन अर्थ में भी भिन्नता होते हैं तथा वे अपने बच्चे के अपने व्यवहार के प्रति कितने प्रतिबंध

ठीक है ना हर चीज हम मार के नहीं बेटा सुलझा सकते हैं बात और आगे बढ़ जाएगी ठीक है ना तो ऐसे ऐसे होते हैं तरह तरह के लोग हैं प्रतिबंधात्मक माता पिता अपने बच्चों पर अनेक नियम थोपते हैं ठीक है ना प्रतिबंधात्मक माता पिता अनेक नियम थोपते हैं ये करना है सात बजे उठना है सात बजे उठना है तो उठ जाना है बच्चे डर के मारे उठ जाएंगे स्कूल जाना है स्कूल से आते ही खाओगे पियोगे एक घंटे बस खेलोगे फिर बैठ जाओगे पढ़ने ऐसे तेज तरह रावाज में बोलना घूर के ताकना ये सब क्या है प्रतिबंधात्मक माता पिता जो क्या थोपते हैं तथा उनकी सावधानी पूर्वक निगरानी करते हैं जबकि अनुमति देने वाले माता पिता केवल थोड़ी से ही नियम लगाते हैं तथा अपने बच्चे को अक्सर अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए अनु, अनुमति देते हैं बच्चा बड़ा भी हो गया तभी आप कहेंगे नहीं नहीं ये चीज नहीं पढ़ना है होम साइंस पढ़ोगी तो ये है वो है सही नहीं है ये है इंग्लिश पढ़ो मैथ पढ़ो साइंस साइड पढ़ो ये वो वगैरह वगैरह तो थोपने की बात है ठीक है ठीक ना और दूसरे पेरेंट्स होते हैं कि बे, बेटा इसी में इंटरेस्ट तो से भी तो शिक्षक ही बनना है किसी से भी शिक्षक बनोगे वही सैलरी मिलेगा वही पैकेज मिलेगा वही सुविधाएं मिलेगा वही चेयर मिलेगा ठीक है ना तो देखिए दोनों माता पिता को समझाने का अलग अलग तरीका है साइंस साइड आर्ट साइड से वो वो अपने बहुत अपने क्या कहते हैं व्यक्तित्व का बहुत निखार कर रहे हैं वो ये ना देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जिस वो पे हैं बेटा मैथ पढ़ोगे तो मैथ से तैयारी करो होम साइंस पढ़ोगे तो होम साइंस से तैयारी करो बेटा पाना तो सबसे वही सर्विस है मिलना तो वही चीजें हैं तो हम क्यों फालतू के चक्कर में पढ़े जो हमें नहीं आता उसके चक्कर तो उसी बात को कहा जाए इस प्रकार प्रतिबंधात्मक प्रति बंधात्मक अनु अनुमति दाता, माता पिता द्वारा बच्चे का लालन पोषण करने में एक अन्य पहलू है। ठीक है ना <coughs> खुले विचार के वो बच्चे नहीं हो पाते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाएगा और वो बच्चे क्या होते हैं थोड़े तब क्या होंगे बहुत ही भयभीत बच्चे होते हैं, किसी कार्य को करने में वो असहज महसूस करेंगे वो करेंगे तो बच्चों को जैसी अवस्था रहे ना हाँ बारह वर्ष वर्ष तक मैं बार बार कहूंगी बारह वर्ष तक के अंदर तक खूब डांट बोल लीजिए जो भी गलत कार्य कर रहे उसके बाद समझाने की कोशिश ज्यादा किया करिए ठीक है ना माता पिता द्वारा प्रयुक्त अनुशासनात्मक तरीकों से किस्म के आधार पर भी बच्चे की लालन पालन प्रक्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके कार्यो परिणाम समझाते तथा उनके साथ तर्क करते हैं ताकि वे उनके अनुपयुक्त कार्य को रोक सके ठीक है ना भी अपने देखिए किसी भी कार्य को अनुपयुक्त कार्य भी बच्चा कर रहा है गलत कार्य भी कर रहा है तो ये नहीं कि तर्क भी तर्क कर गई उसे समझाइए उन बातों को उस बुरी आदतों को उस बुरी आदतों को गलत चीज को भले ही बच्चा चाहे छोटा है कुछ मान लीजिए किसी को मारने वाली हमेशा की उसे आदत है थूकने की किसी के ऊपर आदत है झगड़ा करने की आदत तो इसे समझा के स्नेहपूर्ण भाव से उसे समझाइए ठीक है, है ना उसके बदले में सही और गलत की व्याख्या करके बताएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझेगा भी अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चे के साथ इसनेमा तथा कोमल व्यवहार करते हैं ठीक है ना और ऐसे माता पिता क्या अनुशासन भी रख लेते हैं और इसने हमें कोमल व्यवहार भी कर लेते हैं ठीक है ना और बच्चा क्या होता है समझ भी जाता है चार झापड़ पहले खींच खींच के मार लीजिए गाल में उसका सुजा दीजिए फिर समझाइए तो कहीं बच्चा समझेगा नहीं समझेगा इसे स्नेह मुखी अनुशासन दृष्टिकोण कहा जाता है ठीक है ना अगला देखते हैं दूसरी और कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने में रोकने के लिए आदेश देते हैं वे बच्चे को धमका भी सकते हैं ठीक है इस बार नंबर कम आया ना तो तू ये देख हाथ पैर तोड़ दूंगा स्कूल नहीं भेजूंगा प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूंगा प्राइमरी में ऐसे होते हैं ना कुछ माता पिता ऐसे होते हैं तो क्यों कर देंगे ये समझाने का कोई तरीका है बिल्कुल नहीं तरीका है ठीक है ना ये बच्चों को धमकाते हैं ऐसे धमकाते हैं है ना इस प्रकार से तथा शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं इस शक्ति उन्मुखी अब इन इन पेरेंट्स को हम क्या कहेंगे कि इन्हें शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक कहेंगे ठीक है ना दोनों क्या है आगे देखते हैं दृष्टिकोण कहा जाता है ठीक है सामान्यतः यह हम यह कह सकते हैं कि माता पिता माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चे आ, आ, बच्चों में उन गुणों को तभी डाल सकते हैं जब वे स्वयं अपने आचरण अपनाएं बच्चों को अनुशासित अनुशासित करने के लिए दंड खास तौर पर शारीरिक दंड का प्रयोग न करें तथा वांछनीय व्यवहार निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का सहारा ले तथा बच्चे के लालन पालन के प्रणाली बच्चे के शर्वन, तो व्यक्तित्व को आ, आकार देने में योगदान देता है ठीक है ना सो बच्चों को हमेशा डांटिए बोलिए ना उन्हें प्यार से सहेजिए और समझाने की क्या करिए कोशिश करिए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं तीसरा भी ठीक है ना अब तीसरे में क्या गा? भाई बहनों तथा मित्र मंडली के साथ संबंध संबंध हमारे देश में अधिकांश परिवारों में एक से अधिक बच्चे होते हैं ठीक है ना दो बच्चे तो जरूर होते हैं तथा कई बार बार अब अब तो दो से ज्यादा कोई कर ही नहीं रहा है तीन बच्चे कर ही नहीं रहा है बेटे के चक्कर में कर रहे नहीं तो दो बच्चे सबके पास है ठीक है ना जितनी कमाई रोजी रोटी है उसके हिसाब से बच्चे का पालन पोषण भी तो करना होता है तो लोग आज ज्यादा शिक्षित हैं अब नहीं वो काम हो रहा पहले का दो चार छः दस बच्चों को करना कई बार बार बच्चे छोटे छोटे बच्चे देखभाल देखभाल करनी पड़ती है सॉरी भाई बहन काफी सीमा तक एक दूसरे से विकास को प्रभावित करते हैं क्या आप आप बता सकते हैं कि भाई बहन के साथ बच्चे के संबंध किस प्रकार माता पिता के साथ उनके संबंध होते हैं भाई बहनों की आयु में ज्यादा अंतर नहीं होता है भाई साल भर का होगा दो साल का होगा ठीक है ना तीन तीन साल का तो मेन होना चाहिए ठीक है ना देखिए साल भर का तो ही नहीं होना चाहिए दो साल का भी नहीं एक बच्चे के बीच में तीन साल का गैपिंग होना चाहिए ताकि वो वो जो जो बच्चा बच्चा है जो पहला बच्चा है पहला साल का हो जाए वो सही तरीके से खाए पिए रहे तभी दूसरा बच्चा होके ठीक है ना तीन साल का स्टेप लीजिए अब ये नहीं कि स्टेप वाइज करते जाइए एक दो तीन चार कहने का मतलब ये नहीं है पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच में क्या तीन तीन वर्ष का गैप डालिए इसी इसीलिए उसके बीच संबंध माता पिता की तुलना में अधिक समान मैत्रीपूर्ण तथा बराबरी का होता है भाई बहन के बीच सकारात्मक संबंध बच्चों को भावात्मक समर्थ तथा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके पास एक बेबी है ना वो इससे भी परेशान है कि वो अकेले खेल नहीं पाता कौन भाई बच्चा जब अवस्था में आता है ना सैसवा अवस्था में तो वो अकेले इधर उधर घूमता रहता है और जब दो बच्चे हो जाते हैं ना अवस्था में तो बहुत प्यार से वो खेलते खेलते कब टाइम बीत जाता पता नहीं चलता उनके विशेष बातें इसीलिए तो दो बच्चा जरूरी ही होता है ठीक है ना उनको विशेष बातें बताते हैं तथा आपस में साझेदारी करते हैं बड़े भाई बहन व्यवहार एक मानक निर्धारित करते हैं जिससे छोटे भाई बहन अनुसार करने का प्रयास करते हैं ठीक है ना जैसे ही बड़े भाई बहन करते हैं वैसे ही छोटा भाई बहन करे वो गलत रास्ते पे चलते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत सीखने लगेगा ये निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी तो पढ़ेगा ना उस घर में आ, बड़ा वाले अच्छे हैं तो छोटा भी उतना ही परफेक्ट और ज्यादा के के एक संबंध का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब ये कब आता है किशोरावस्था तक जाते जाते थोड़ा बहुत आ जाता है ना कि मैं तुम्हें सूट नहीं दूंगी मैं तुम्हें शर्ट नहीं दूंगा तुम मेरा क्यों पहने तुम मेरा क्यों लिए मेरा अपना थोड़ा बहुत ऐसे आता है तो माता पिता वहां पे सुलझा लेते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मित्र मंडली समान आयु वर्ग के बच्चे मतलब मित्र मंडली के साथ साथ संबंधों तथा उनके साथ पारस्परिक क्रियाओं के बारे में एक विस्तृत चर्चा इकाई दो कौम विद्यालय मंत्र मित्र मंडली तथा शिक्षक नामक अध्याय में की की गई थी मित्र मंडली में कुछ घनिष्ठ और कुछ कम घनिष्ठ मित्र भी, भी होते हैं समकक्ष बच्चों के साथ बच्चा खेलता लड़ता और गुप्त बातें करता तथा उनके साथ मित्रता बच्चे के सामाजिक तथा भावात्मक विकास में योगदान देता है सही बात है ठीक है ना दो बच्चे तो बहुत जरूरी हैं दोनों क्या होते हैं आपस में खेलते हैं एक बात मैं बताना चाहूंगी मेरे जानकारी में एक भाभी जी हैं है हां? तो उनकी एक बेटी आ, मतलब एक बेटी है उनकी एक बेटी है उनकी उस बेटी में थोड़ी कुछ कमी है इन पेरेंट्स में कमी थी सो वो कमी बच्चे में भी आ गई अब वो ग्रोथ रोथ नहीं करती है डॉक्टर क्या सलाह दी है कि आप दूसरा बेबी करेंगे तो दूसरे बच्चे के साथ ये खेलेगी और बढ़ी होगी बेफिक्री से ठीक है ना इसे कोई डर वो नहीं रहेगा दोनों साथ साथ खेलेंगे लेकिन वो दोनों पेरेंट्स ना अगला बच्चा नहीं कर सकते ठीक है ना तो ये भी देखिए एक समस्या है वो गोद लेना चाहते हैं किसके लिए वो जो उनकी पहली बेबी है ताकि दोनों एक साथ खेले कूदे तो इस चीज को ये, इस पेपर में यही मेंशन किया है कि भाई बहन भी वो ना ठीक है ना भाई भाई ही होके बहन बहन ही होके दो बच्चे होना साथ में ना बहुत जरूरी होता है वो बेफिक्री से खेलते हैं लड़ते हैं भले ही लड़ते हैं झगड़ते हैं कूदते हैं दौड़ते हैं ठीक है ना तो ऐसे टाइम बहुत जल्दी बीतता है और बच्चे क्या सामाजिक तौर से बड़े होते हैं अब वो क्या गुप्त बातें करेंगे यहाँ पे दिया है ना लड़ते हैं खेलते हैं गुप्त बातें करते हैं अब वो क्या गुप्त बातें करेंगे वही है कानो कान में किसी का मजाक उड़ाना उसके बाल कैसे कटे हैं उसका बैग कैसा है वो लड़की है तो पिंक लेके जा रही है यही यहां देंगे वो लड़का है देखो वो लड़का पिंक कलर में लेके चल रहा है लड़की हो जैसा बैग ठीक है ना तो यही सब गुप्त बातें करेंगे किसी बात पे हंस देना घर में देखते हैं ना बच्चे दादा दादी के किसी बात पे हंस देना उनकी लाठी खो गई उनकी डंडी खो गई ठीक है ना उनके चश्मे कहाँ है उन्हें दिखाई नहीं दे तो किसी बात पे हंस देना कर देना तो यही गुप्त बातों के बारे में कहा गया ठीक है ना तो खैर दो बच्चे तो जरूरी होते हैं एक दूसरे में खेलने झगड़ने मौज मस्ती करने के लिए फ्रेंड्स क्लास लंबा हो गया नेक्स्ट अगले क्लास को हम अगले लेक्चर में देखेंगे संज्ञानात्मक विकास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है इसे हम अगले बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगे हो गए समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय